डियर स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को इस पाठ के संदर्भ में थोड़ा बताना चाहेंगे। द फंड है, इसका तात्पर्य है कि वह आनंद, वह मनोरंजन जो उन पुस्तकों में मिला करता था या उनमें होता था। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज इज़ाक अज़िमोव। इज़ाक अज़िमोव ने लिखा है। तो आइए, लेट अस नो अबाउट द चैप्टर व्हाट द राइटर हैज गिवन बिहाइंड द चैप्टर। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। लेखक आपको यह बताना चाहता है कि जिस कहानी के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं, जिस बात को लेकर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, इज सेट इन द फ्यूचर, उसको हम भविष्य में देखेंगे कि इस कहानी में हमें भविष्य में क्या मिलेगा। अर्थात द राइटर इज़ाक अज़िमोव हैज डिस्क्राइब्ड आर हैज एक्सप्रेस्ड द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ पास्ट एंड द एजुकेशन ऑफ फ्यूचर, व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर, कि भविष्य में हमें शिक्षा का माध्यम क्या होगा, हमें किस प्रकार का अध्ययन करना पड़ेगा, कैसे हमें पढ़ाया जाएगा, शिक्षक कैसे होंगे, पुस्तकें कैसी होंगी, और इसके पहले अतीत में बीते हुए समय में जो हम किताबों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण किए हैं, उनमें और आज भविष्य में होने वाली आने वाली शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर मिलेगा। डू द टीचर विल नॉट बी देयर इन द क्लासरूम ओनली, बी सेल स्टडी, हम केवल अध्ययन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। लेखक ने यह बताया है भविष्य में जो है, भविष्य में जो शिक्षा होगी वो होगी कि वह जब कि बुक्स दैट वी नो टुडे, आज जिन पुस्तकों का हम अध्ययन कर रहे हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट इन फ्यूचर, शायद वो भविष्य में नहीं होगी, अस्तित्व उनका नहीं होगा। देयर विल बी नो क्लासरूम्स, कक्षाएं नहीं होंगी, अर्थात इसका मतलब शिक्षक नहीं होंगे, आर ह्यूमन टीचर्स, कि मानव के रूप में शिक्षक नहीं होंगे तो कक्षाएं नहीं होंगी। चिल्ड्रन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो कंप्यूटर के माध्यम दी जाएगी। विजुअल क्लासरूम्स, यांत्रिक कक्षाओं के द्वारा, मूविंग टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पाठों को दिखाया जाएगा, एंड इवन रोबोटिक टीचर्स। और इससे ज़्यादा बताया जा रहा है, लेखक ने बताया है कि आने वाले समय में रोबोटिक टीचर्स होंगे जो ह्यूमन टीचर से बिल्कुल अलग होंगे, टीचर तो होंगे लेकिन ह्यूमन के रूप में नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अबाउट दिस चैप्टर व्हाट वी हैव स्टडीड दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन ऑफ पास्ट एंड एजुकेशन ऑफ फ्यूचर। लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि जिस समय में हम लोगों ने अतीत में जो अध्ययन किया, पढ़ाई की शिक्षकों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से और पुरानी व्यवस्थाओं के द्वारा, वह शिक्षा भविष्य में हमें नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी वह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक युग होगा, सारे कार्य यांत्रिक तौर पर किए जाएंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, विजुअल क्लासेस होंगे, देखने को हमें बहुत कुछ अंतर दिखेगा। तो आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि माध्यम क्या होगा, व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ स्टडी इन फ्यूचर, अध्ययन का माध्यम क्या होगा। तो पहला बताया है लेखक ने कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो शिक्षा होगी वो कंप्यूटर के माध्यम से दी जाएगी, जैसा कि आप लोग आज ही इसी समय शुरुआत हो गई है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं,
रोबोटिक टीचर्स चल रहे हैं, तमाम फर्म इंडस्ट्री कंपनियां उद्योग धंधों में भी, बैंकों यहां तक बैंकों में भी, विदेशों में फॉरेन कंट्रीज में रोबोटिक रोबोट की व्यवस्था कर दी गई है। विजुअल क्लासरूम्स केवल आप देखेंगे शिक्षक होगा लेकिन वो आपको कंप्यूटर के माध्यम से दिखेगा। आपको स्कूल आप फ्यूचर जो होंगे वो रोबोटिक टीचर होंगे और मूविंग ई टेस्ट होंगे, ऑनलाइन कक्षाएं होंगी, रोबोटिक टीचर्स होंगे, कंप्यूटर पर आप पढ़ेंगे, सारी व्यवस्थाएं भविष्य में आपको बदली हुई नज़र आएंगी। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के लेखक ने अपना एक जो है विचार व्यक्त किया है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा। लेट अस नो थ्रू दिस चैप्टर, हम इस पाठ के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो प्रिय छात्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि अब आप लोग पुस्तकों को खरीद लीजिए जिससे हमें पढ़ाने में और आप लोगों को समझने में बिल्कुल सुगमता लगे, अन्यथा प्रॉपरली अध्ययन कर पाना दिक्कत में होगी। तो आज बस यहीं, आगे हम पाठ के बारे में बताएंगे।